कर्नाटक की तेज तर्रार आईपीएस अफसरों में शुमार डीरूपा एक बार फिर से सुर्खियों में है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि डीरूपा वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने जयललिता की करीबी और भ्रष्टाचार के आरोप में कर्नाटक की जेल में बंद तमिलनाडु की एआईडीएमके नेता शशिकला को जेल के अंदर मिलने वाली वीआईपी सुविधाओं का भंडाफोड़ किया था। डीरूपा सोशल मीडिया पर भी सक्रियता के लिए जानी जाती है, लेकिन डीरूपा एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने पुलिस को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोल कराया कि पुलिस के बारे में आम जनता क्या सोचती है, और इसके लिए चार विकल्प दिए गए, सकारात्मक, नकारात्मक, और जो लोग कभी पुलिस के पास गए ही नहीं है वो भी इसमें वोट कर सकते हैं। डीरूपा के पोल पर 11,544 लोगों ने जवाब दिए। सबसे खास बात ये रही कि आधे से ज्यादा यानी कि 51% लोगों ने निगेटिव विकल्प पर वोट किया, यानी कि पुलिस को लेकर उनका बुरा अनुभव रहा, और 28% लोगों ने पुलिस के काम करने के तरीके को सही बताया, और जो लोग कभी पुलिस के पास गए ही नहीं हैं, उनमें से 12% लोगों ने पुलिस के प्रति नकारात्मक वोटिंग, जबकि 9% लोगों ने वोट कर बताया कि वे कभी संपर्क में नहीं आए मगर धारणा पॉजिटिव है। डीरूपा वही आईपीएस अधिकारी है जो 2004 में एक वारंट को तामील कराने के लिए कर्नाटक से उमा भारती को गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़ी थी, वो भी तब जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। हालांकि डीरूपा के पहुंचने से पहले तक उमा भारती ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब डीरूपा कर्नाटक के धारवाड़ जिले की पुलिस अधीक्षक थी।